नमस्कार सीमा किचन रे आपण समस्तंको अनेक अनेक स्वागत। तो एही राखी पूर्णिमा अवसर रे मु आपण मानको पई नेकी आछी गोटे टेस्टी मीठा रेसिपी जहा को आपण माने कम समय रे आ कम सामग्री रे बनेई परिबे आ एही मीठा खाइबा को बहुत टेस्टी लागी थाए। आ मु आज ए मीठा को केमिति बनाउची वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु आ भल लागिले वीडियो को गोटे लाइक करंतु। ताहले चालंतु आरंभ करबा आज रे मीठा रेसिपी। तो ये मीठा बनवा पाई प्रथमे आमे चीनी सिरा प्रस्तुत कर दे। सेथि पाई मु गोटे नै जाय छी सस्पिन आ सेथि रे दे दो छी गोटे कप चीनी आ गोटे कप चीनी पाई मु गोटे कप पानी दे दो। आपण एठी मने रखिबे गोटे कप चीनी नेले गोटे कप पानी देबे। एटा हो छी चीनी सिरा रो मेजरमेंट। एठे चीनी मिसिला पर्यंत आमे गोळेबा आ फ्लेम को एठी हाई रे रखिबा। तो एठी देखंतु आमर चीनी भल भाबे मिसी गलाणी। एबे आमे सेथिरे दे देबा गुजराती गुंड दुई चुटकी। गुजराती गुंड देले आमर चीनी सिरारे बहुत बढ़िया बासना आसीबो। एठी आमे गुजराती गुंड दे सल्ला पारे एठी आमे कोन करबा चीनी सिरा को पूरा मोटा करबा। एमिति लगातार आमे मिक्स करथिबा। जदी हातरे आपण नेकि देखिबे जदी गोटे तार वाला हे जाउ छी ताहेले जानिबे आमर चीनी सिरा एबे रेडी हे जाय छी। तो एठी आमर चीनी सिरा प्रस्तुत हो गला। तो चालंतु एबे आमे अलगा प्रिपरेशन करिबा। तो सेथिपे मु नै जाइछि गोटे पैन आ पैन रे दे दोछि आधा चम्मच तेल। एठी आपण गुआ घी भी नै पारिबे। तेल गरम हला परे सेथिरे दे दोछि गोटे कप सुजी। सुजी जदि आपणकर मोटा आछि ताहाले एठी आपण टिके ग्राइंडर भी करि पारिबे। सुजी को दे सारी कि एठी आमे लो फ्लेम रे सुजी को हल्का भाजि नेबा सुजी रो बासना आसला पर्यंत। तो एबे देखंतु आमर सुजी एबे भाजी हे गला। एबे कोन करिबा सेथिरे खीर दे देबा। खीर एठी आमे पूरा देबानी अल्प अल्प देकी सुजी को भल भाबे गोळेबा। मु एठी गोटे कप सुजी पई दुई कप खीर नै जी। आपण जेते बेले सुजी को मिक्स करचंती ध्यान रखिबे भल भाबे सुजी को मिक्स करिबे नहले एठी गोटा रहि जीव आ भलसे हबनी। आमे दुई कप खीर दे सला परे आमे ताको भल भाबे गोळेबा जो पर्यंत आमर जंतुणी भलिया न हेजी। आपण एमिति गोळे नेले आ पैन रे लागिबनी पूरा पैन रो छाडि जीव सेते बेले जानिबे आमर जंतुणी रेडी हे गला। तो एबे देखंतु फ्रेंड आमर एबे पैन छाडि गलानी आ जंतुणी टाइप रो बे सुजीटी हे गलानी। तो एबे कोन करिबा गोटे प्लेट को ए सब को बाहर करनेबा। तो फ्रेंड देखंतु सुजी रे सेई जंतुणी को मु गोटे प्लेट को बाहर करनी छी। ता परे दे दो छी गोटे चुटकी बेकिंग सोडा। ता परे गुजराती गुंडरु दुई चुटकी दे देबा। ता परे जंतुणी को हल्लो भाबे चकटीबा। तो एठी देखंतु मैं जंतुणी को भल्लो भाबे चकटी ने छी पूरा सॉफ्ट हे जाय छी। ता परे ताकु छोटो छोटो बॉल्स बनेबा। तो मु एठी केमिति करू छी आपण माने देखंतु सेम प्रोसेस रे आपण सेमिति ही बनेबे। मु एठी दुई प्रकार रो मीठा प्रस्तुत करबी। तो देखंतु मु एई प्रकार रे शेप दे देली। मु एठी दुई प्रकार रे शेप बनौची आपण माने जे कोनोसी शेप रे मीठा को बनेई पारिबे। तो सब मीठा को मु एमिति बनेई नउची तापरे मु आपण मानुकु देखौची। तो एबे देखंतु मु सब मीठा एबे बनेई नैची। तो चालंतु आकु एबे फ्राई करबा। तो फ्राई करबा पई देखंतु मु आगरु तेल गरम करनेची। एठी मु अल्प गरम करची। तो आपण माने भी एठी तेल को अधिक गरम करिबेनी लो रे ही गरम करके ए मीठा को फ्राई करिवे। जदी आपण हाई फ्लेम रे मीठा को छाणु छंती ताहाले ए मीठा फाटी जीव आ भल भाबे भितरटा सिझिबनी उपरटा पोड़ी जीव। आ एठी मने रखिबे लो फ्लेम रे आ तेलटा अल्प गरम हेबा दरकार ताहाले जाईके आमर मीठाटा पूरा परफेक्ट बनिबो। एठी आपण अधिक मीठा देबेनी तीन चारटी मीठा जेमिति आपण कड़े रे धरिबो सेमिति ही देके अल्प अल्प देके फ्राई करिवे। जदी आपणकर तेल अधिक गरम हे जाउची ताहाले आपण गैस को बंद कर देबे। तेल टिके ठंडा हला पारे मीठा को पके की फ्राई करिवे। तो एठी हमर मीठाटा भलो भाबे फ्राई हे जाई छी। आ देखंतु मीठा रो कलर भी पूरा पूरी चेंज हे जाई छी। तो एबे हमर मीठा ऑलरेडी हे जाई छी। तो ए मीठा को एबे आमे कोन करबा गोटे प्लेट को बाहर करनेबा। तो बाकी एबे जो मीठा रहला से मीठा को मु एबे फ्राई करनौ छी। तो देखंतु मु एठी सब मीठा को फ्राई कर देछि। तो चालंतु एबे ए मीठा को चीनी सिरा रे पकेइबा। जदि आपणकर एठी चीनी सिरा ठंडा हे जाइथिबो ताहाले टिके उसुम कर देबे ए चीनी सिरा को तापर जाइके मीठा को पकेइबे। तो मु एठी सब मीठा को दे दोछि चीनी सिरा रे। तो देखंतु मु सब मीठा को चीनी सिरा रे पकेइ देछि। तो एबे कोन करबा दुई घंटा पई ताकु एमिति चीनी सिरा रे बुडेकी रखिबा। तो दुई घंटा परे मु आपण मानको ए मीठा को देखौछि। दुई घंटा पर देखंतु आमर मीठाटा केते बढ़िया है। तो आपण मानक मु देखौछि मीठाटा केते सॉफ्ट है। आ मीठा भितर को भी चीनी सिरा जाय।
ତ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଏହି ମିଠା ଆପଣମାନେ ଘରେ ନିହାତି ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ଏ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏହି ମିଠାର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ପସନ୍ଦ ଆସିବ ଆଉ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସେ ତାହେଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସୀମା କିଚେନକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପିରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମସ୍କାର, ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।